बीकॉम, बीएड और डीएलएड में प्रवेश पाएं। बुंदेलखंड में उत्कृष्ट शिक्षा का संस्थान आईएसओ प्रमाणित सुदर्शन डिग्री कॉलेज बांसी ललितपुर, संस्थापक डॉक्टर रविंद्रनाथ यादव। सूचना जाहे के ओरछा को जो रामराजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो वो चालू होवे की प्रक्रिया में आ गयो है और एक बड़ी अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है के जो हॉस्पिटल चालू होवे की स्थिति में आ गयो है। और अब यही के आगे की बड़ी बात जाहे के ई अस्पताल को आगे कौन सो रूप दो जाए, का परिस्थिति के लाने बन सकत, ई पे बड़ो सवाल है और यही को लेके आज बड़ी मुहिम है, कई सारे लोगों से बातचीत करें। फिलहाल कछु देर पहले हमने झांसी के सांसद अनुराग शर्मा जी से फोन पे बात करी, पूरे के पूरे मुद्दा पे जो ओरछा के रामराजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मामला है, का स्थिति है, जब बातचीत हम आप लोगों को सुनवाबो चाह रहे हैं। सुनो जरा जी भैया, क्या किस तरीके से पूरी व्यवस्था रही और क्या क्या अभी चालू होने की स्थिति में आगे अस्पताल? दो साल से हॉस्पिटल बंद है बिल्कुल ही जी। और जब कोई भी जितनी बड़ी संस्था या जितना बड़ा कोई भी चीज बंद हो जाती है तो उसको चालू करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि आप उसको अगर कंपेयर करें कि आप किसी मोटरसाइकिल अपने दो साल के लिए बंद रखें जी, और दो साल बाद एकदम से आप सोचने की आज चलाता हूँ मैं 400 किलोमीटर तो नहीं चल सकती ना जी, अपने को सब चीजें देखनी पड़ती है। तो ऐसे ही हॉस्पिटल के साथ दो साल से बंद पड़ा रहा है जी। तो वहाँ के आदरणीय डीडीएम का लालू जी ने, हमारे डीएम झांसी ने और सभी लोगों ने वहाँ पे बहुत मदद करी है, उसकी बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हैं, तो मैं उनकी मदद करने के लिए जाता रहा हूँ। उनसे मेरी दो एक हफ्ते से ऊपर से बात चल रही थी कि मैं कैसे कैसे चालू कर सकते हैं, क्या क्या चीजें करवा सकते हैं जी। तो आज पहली बार वहां पे ये डिसाइड हुआ गया था कि जो उनका मेन काम को सारे हिंदुस्तान में सभी जगह प्रॉब्लम आती है अपने को, वो है कि ऑक्सीजन सुचारू रूप से सब जगह नहीं पहुंच पा रहा जी। तो इनके वहां एक ऑक्सीजन प्लांट था तो आज उसको चालू करवाया गया जी। वो उनके इंजीनियर भी आया हुआ था ऑक्सीजन प्लांट के लिए जी, वो भी देख गया, तो उसने भी कुछ रिकमेंडेशन करे, कुछ उसने चालू करवाया जी। तो कहा कि कुछ कमरों में कुछ बेड पे ऑक्सीजन आ सकती है जी, तो फिर उस ऑक्सीजन को वहां तक पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए जी। तो वो प्लांट चालू किया गया, फिर उसका एयर कंडीशनिंग का प्लांट शुरू करा जाएगा, फिर बिजली देखी जाएगी, तो लोगों के रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, नर्सिंग की व्यवस्था, बाथरूम दिखवाना, शौचालय चालू रहे और उसका डिस्पोजेबल डिस्पोज कैसे होगा, हॉस्पिटल से जो कोविड के पेशेंट्स हैं तो उनका आप सामान ऐसे भी बाहर फेंक सकते हैं ना जो आपने इस्तेमाल किया और ना वो कोविड करेगा जी। तो वो सारी व्यवस्थाएं वो सब निपट के देखी गई, ये लोग बहुत दिन से प्रयासरत थे। मैं दोनों डीएम को विशेष रूप से डीएम ओरछा को बधाई देना चाहूंगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में। तो आज पहली बार 10 से 12 पेशेंट दिए गए जी। अब हम सबसे अपील ये कर रहे हैं कि जो लोग भी रिटायर्ड टेक्नीशियन है, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं और जिनके वैक्सीन लग चुकी है जी, वो आए, हम उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रखने की कोशिश करें तो वो अपनी सेवाएं यहाँ दे सकेंगे और लोगों की जाने बच जी। सर जी, एक छोटा सा झांसी में एक छोटा र्यूमर अभी है, कुछ ग्रुप्स में देख रहे हैं कि इसमें केवल टीकमगढ़ ओरछा के ही मरीज या एमपी के ही मरीजों को रहेंगे, इस तरह की कोई बात तो नहीं है? देखिए, मरीज तो ज्यादातर झांसी में अभी भी बाहर के बहुत आते हैं जी। तो अगर वहां पे टीकमगढ़ ओरछा के ज्यादातर मरीज जाएंगे उनके पास भी पड़ता है जी, ओरछा से तो लगा ही हुआ है, टीकमगढ़ से लगा ही हुआ है, छत्तीसगढ़ निवाली से लगा हुआ है जी, वो जाएंगे तो वो मरीज हमारे पास कम आएंगे। अगर मेरे और झांसी में कम आते हैं तो हमारे पास झांसी में बेड खाली नहीं मिलेंगे आपको जी। जी, मरीज तो कहीं का कहीं है भाई, सारे हिंदुस्तानी है, सब जगह जाएंगे। आज हमारे मरीज के दिल्ली नहीं आते जी, आज के हमारे मरीज ग्वालियर नहीं आते, क्या हमारे पास सागर से मरीज नहीं आए, कि हमारे पास दतिया से मरीज नहीं आए, कि हमारे पास दूसरी जगह से मरीज नहीं आए जी। कोशिश यही कर रहे हैं कि लोकलाइज मरीज लोकल में ज्यादा रह ले, तो उसके मरीज उसकी देखभाल करने में, उनके लिए कुछ मदद करने में आसानी रहती जी।
ऐसी कोई बात अभी तक उठी नहीं है जी, और नहीं मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी कोई बात उठेगी जी। सर पूरा हॉस्पिटल चालू करने में अभी बहुत समय लगे जी। एक और आखिरी सवाल जी, सभी होते हैं अपने पास टेक्नीशियंस की और डॉक्टर जी जी। एक आखिरी सवाल ये कि झांसी में फिलहाल क्या स्थिति है, कब तक कंट्रोल की अपन उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो पाए? देखिए झांसी में तो मेरे आज से मैं सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्टर, सारा मेडिकल, सारे टेक्नीशियन, सारे सफाई कर्मचारी सबको धन्यवाद करूंगा, ये 24 घंटे काम कर रहे हैं जी। तो अब तो आप और मुझको ही बचना है कि हम अपने को कोविड नहीं करें जी। बस कोई कितना भी आप व्यवस्था कर लें, अगर सभी को होने तुरंत कैसे होगा जी। तो आप और मैं अगर अपने आप को बचाएंगे, अपने परिजनों को बचाएंगे, अपने घरों में बाहर नहीं निकलेंगे ज्यादातर, सभी काबू में आएंगे जी। विधायक जी बुंदेली बोछार पे लाइव है आपको फोन, तो क्या स्थिति है रामराजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जरा आप दर्शकन को बता दो। निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी, राम राम पहले तो। जी राम राम। आज ऐसे की शुरुआत हो गई है जो हमारा रामराजा हॉस्पिटल है जी, जो एक तो काफी लंबे समय से बंद था जी, और अब ये चालू करा हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल गई जिला प्रशासन सब मिल गई जी। तो ये आज हम लोगों ने चालू भी कर लो है, वो करीब 10-12 पेशेंट पहुंच भी गए हैं जी। और प्रयास है कि हम लोग अपने सब संसाधन जोड़ के एक अच्छे रूप में बुंदेलखंड के एक ऐसे अस्पताल की जरूरत भी थी जी। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मेडिकल को एक स्टाफ भी पहुंच जाए और ये सब चीजें चालू हो जाए जी, का मकसद भी आज चालू हम लोग कर रहे हैं जी। जो लंबे समय से जी जी बताए, लंबे समय से जो अस्पताल बंद है और बुंदेली बौछार के जरिए हम अपील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार जो प्रयास करवे कि ये अस्पताल को कौन भी तरीके से स्थायी तौर पे ले लेवे और खरीद लेवे या जो भी उनकी व्यवस्था होवे, तो इके लाने का विचार हो सकता जो बहुत ही अच्छा सुझाव भी है और वो भी जाती है क्योंकि बुंदेलखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और अगर चूंकि कोविड को समय है तो कोरोना के लाने तो करी मध्य प्रदेश की सरकार ने, लेकिन अच्छा सुझाव है जो आपको मुख्यमंत्री जी सब लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि स्थायी रूप से ये एक मेडिकल को रूप भी दे दो जाए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की भी एक इच्छा है कि हर जिला में हम लोगों को मेडिकल बनाने को दे भी ये जो चर्चा में है, तो हम लोग अनके लाने जी से बड़ी कोई सौगात नहीं हो सकता, एक बनो बना एक अच्छा हॉस्पिटल है जी में सारे संसाधन है सब चीजें उपलब्ध होंगी, तो निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें कि तो अगर स्थायी रूप से ले लो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बुंदेलखंड के लाने और निवाड़ी जिला के लाने जी। फिलहाल निवाड़ी और टीकमगढ़ जिला में क्या स्थिति है भाई सब कोरोना की? कोरोना की तो सचिन भैया सब जान ही रहो कि तेजी से फैल रहा है और चैन को तो तोड़ने के लाने हम सबको भी आगे आने पड़े थी, मैं एक चैन तोड़ने तो निश्चित रूप से सबको ही आगे आने है, इसमें कोई दल की बात नहीं है, इसमें तो इंसानियत की बात है कि हम सबको मिलकर ही चैन को तोड़ना है। तो घर में रह भी की हम लोग अपील भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन तो जो मदद कर सकते वो कर ही गई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जरूरत है इस समय तो हम सबको ही आगे आके अपने घर में रह भी की अपील भी कर रहे हैं और रह भी चाहिए, क्योंकि जो कोरोना में बहुत अंतर है पहले में और अब जी। तो हमें लग रहा हूँ कि ये अगर रोकना है तो मुख्यमंत्री जी बार बार अपील की कर रहे हैं कि 30 तारीख तक कोई घर से बाहर ना निकल रहे, तो ना निकले तो हम सब के लाने बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, उम्मीद यही करें कि थोड़ा और प्रयास करके जल्दी से फिलहाल रामराजा हॉस्पिटल को व्यवस्थित कर दो, क्षेत्र की जनता को लाभ मिल पे और आगे के लाने भी जो मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं कि अस्पताल को स्थायी तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार ले लेवे और सरकारी अस्पताल ही को बना देवे भले कोनो भी रूप में और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, ई के लाने आपको सहयोग लगातार लगे विधायक जी। हमें तो आपको जो सुझाव थे हम लोगों को संजीवनी जैसी मिल जाएगी अस्पताल को, तो बहुत ही आवश्यक है स्थायी रूप से हम लोगों को मिल जाए, और इसमें हम लोग बड़े स्तर से अपनी चर्चा भी करें और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए बुंदेलखंड के लाने और खासतौर से निवाड़ी की कमर जहाँ की ताजा मतलब एक बहुत बड़ा हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। और हमारे संगे टीकमगढ़ जिला के वरिष्ठ पत्रकार यशोवर्धन नायक जी जुड़ गए, भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार भाई साहब।
अपन मुहिम चला रहे थे, आप भी चला रहे थे, बुंदेली बौछार ने चलाई, तो अब आज स्थिति का है आप बताओ। रामराजा अस्पताल चालू, शुरुआत तो कम से कम हो गई, कितनी सुखद खबर है। इतनी सुखद खबर है कि पूरे जितने टीकमगढ़ के लोग हैं और आस पास के गाँव में धीरे धीरे खबर फैल गई, लोगों को ही कोरोना काल में भी इतनी खुशी है कि उन्हें जो लग रहा हो कि अब सबके प्राण बचते हैं, अब जो है इलाज में दिक्कत ना रहे। और टीके लाने जो टीकमगढ़ के जतारा तहसील में पदस्थ है SDM डॉक्टर सौरभ सोनमढ़ी, उनने बहुत मेहनत करी और इस प्रकार से जो है टीकमगढ़ कलेक्टर साहब ने उन्हें फ्री हैंड दाओ, उनने निवाड़ी झांसी और टीकमगढ़ तीन कलेक्टर को एक पूरा ग्रुप बनो और इन्होंने खूब मेहनत करी। लेकिन भैया हम तुम्हें इसे धन्यवाद दें चाहू कि सबसे पहले जो विचार आपने हमें दो तो वो हमने वही दिन आई है कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप करो, तो कलेक्टर साहब की हमसे लौट के बात भी हुई थी टीकमगढ़ की, वो भी बड़े खुश हैं कल जो विचार आगे बढ़ने दो। अब तो टीको मेडिकल कॉलेज में बदल दो जाए जी। और जो जो है ये जो विधायक है अपने निवाड़ी के बड़े पुरुषार्थी अनिल जैन, उनने मुख्यमंत्री से कह के निवाड़ी जिला बनवा लो, जबकि मध्य प्रदेश में और लोग भी प्रयासरत थे, लेकिन उनके तो जिला नहीं बनो, तो निवाड़ी जिला बनो तो अनिल भारी बहुमत से जीते थे। हम एक बार फिर से दोहरावे के बुंदेली बौछार के सचिन चौधरी, आपने जो है सबसे पहले हम सजावाद कही थी कि भैया अगर जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू हो जाए तो जनता को बहुत भलो हुई है। वो हमने बिल्कुल सेम वही समय जो सुन के इतने रोमांचित है टीकमगढ़ कलेक्टर को हमने मैसेज करो, और इतनी खुशी हमें है ये बात की कि कलेक्टर साहब को तुरंत ही गंभीरता से लो और फिर उन्होंने ऊपर शासन स्तर पे पहल करी। धन्यवाद के पात्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और वे सब लोग जिनने ये महान काम में ये पुनीत काम में अपना योगदान दो। और हमारे देश में तो आज पेशेंट भी शिफ्ट रहे हैं झांसी, हमें जो जानकारी लगी जी। कछु मरीज आज शुरुआती तौर पे भय, हालांकि अभी झांसी के सांसद जी और निवाड़ी विधायक से बात भई है तो कह रहे थोड़ो और समय लगे कछु दिन आपको, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई, अस्पताल में मरीज की भर्ती शुरू हो गई, अबे खुल के नहीं भई लेकिन कछु चीजें शुरू हो गई। एक और जो हमने आपसे अभी आपने खुद ही कही और जो हम मुहिम बनावे की अब नई कोशिश कर रहे कि अस्पताल को स्थायी तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ले लेवे तो बुंदेलखंड को बहुत भलो हो जाए। नहीं जो आपको सोने के सो विचार है और जो विचार भी आप ही ने हमसे अभी चर्चा में जो हमारी आपसे बीच में चर्चा हुई थी कहूँ तो आप ही ने कही थी कि जो अगर सरकार अधिकृत करके इसको मेडिकल बना ले मध्य प्रदेश को मेडिकल, तो जो जो है बहुत सस्तो सौदा हुई है। जब नारियल पूर्वे की परंपरा फिर जमीन लाई फिर कवे बने, अब जो बनी बनाई इतनी शानदार बिल्डिंग है वेदांता जैसी, अगर ये मेडिकल कॉलेज की मान्यता दे दी जाए और इसे मालिकन से जब यूँ खरीद हो जाए तो जो हमारी जानकारी है जैसे भी जैसी सही है कहा है जा कि किसने बनने हैं बैंक की, तो जब सरकार के लाने आसान काम है मध्य प्रदेश सरकार के लाने और जनता के लाने तो जो एक वरदान हो जाए। ये कोरोना काल में ये अकेले ये अस्पताल के अधिग्रहण के समाचार से आधे आदमी ठीक हो गए, आधे आदमी इनको जो लग रहा हो कि अब हम कोरोना से लड़ाई जीत गए, इतना उत्साह को वातावरण है। काले हमारे जो टीकमगढ़ के अस्पताल के मरीज हैं वे तक इतने खुश हैं कि उन्हें जो उम्मीद बन गई कि अब जिंदगी की डोर हमारी पकड़ी जाए, अब हम जो है बच जाए, अब हमें ऑक्सीजन भी मिले और सारी सुविधाएं मिले, क्योंकि वो सुने थे कि बहुत बड़ो प्लांट भी है ऑक्सीजन को नेचुरली ऑक्सीजन उसे बन जाते। तो हम तो आपकी बुंदेली बौछार के माध्यम से यही विनती है, खासतौर पे हमें बड़ो भरोसा है अनिल जैन विधायक से, वे जो जिला बनवा सकत तो बड़ो काम करवा सकत, तो मेडिकल कॉलेज तो उनके लिए छोटी चीज है और जैसे कि उनके मुख्यमंत्री से संबंध है शिवराज सिंह जैसी उन्हें मान्यता करत, उसे जो पूरा भरोसा है कि अगर वे पूरी हिम्मत और जिम्मेदारी से लग जाए तो निसंदेह जो है मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ जाए और रामराजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को नाम रामराजा मेडिकल